इतने दिन से साथ में इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, इसके लिए सभी को धन्यवाद। और आपका आगे का जो भविष्य है वो यह हमारा कामना है। और हम सभी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, है ना? आपके माता पिता भी उम्मीद लगा के बैठे हैं, हम सभी जो टीचर हैं या फिर जो भी आपके परिचित लोग हैं, वे सभी आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा करेंगे। ठीक है, आप भी यह मानते हैं कि आपको अच्छा करना होगा, है कि नहीं? आपको अच्छा करना पड़ेगा और आप उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ठीक है, बात रही एग्जाम को लेके, तो एग्जाम को लेकर के सभी के मन में क्यूरियोसिटी होता है ना? ये जाहिर सी बात है, चाहे कितना भी प्रिपेयर हो, लेकिन क्यूरियोसिटी रहता ही है सभी के दिमाग में कि क्या एग्जाम होगा, कैसे पेपर होगा। हालांकि आप लोग पहले पेपर कर चुके हैं 10th क्लास में, फिर भी क्यूरियोसिटी माइंड में होता है कि किस प्रकार का रिजल्ट आएगा, क्या हम लोग जितना चाहते हैं वह कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ये आजकल का जो मतलब एग्जाम के पहले वाला दिन होता है, थोड़ा प्रेशर वाला दिन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, प्रेशर झेलना पड़ता है इसमें, है कि नहीं? तो प्रेशर को थोड़ा आप लोगों को झेलना तो पड़ेगा ही, और इस क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए अपना पर्सनल फीलिंग आपको सामने बता रहा हूँ, है ना? आपके बड़े भाई होने के नाते, शिक्षक होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम भी 12th क्लास में थे तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, हम लोग भी पूरा तैयारी किए, पूरे अच्छे से पढ़े, हम लोग भी सोचे कि अच्छा नंबर लाया जाएगा, 80-85 किया जाएगा, है कि नहीं? इतना परसेंट तक तो जाना ही जाना होता है, हालांकि बाद में मार्क्स का अपना वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन अभी मार्क्स का वैल्यू है आप लोगों को, है कि नहीं? लेकिन एग्जाम देने के बाद उनको वो रिजल्ट नहीं आ पाता है, उस साल का कुछ रिजल्ट में कमी कह ले या फिर इसमें भी कमी, पैटर्न का कुछ कमी कह ले, इस प्रकार का हो गया था कि हम लोग 60-65 में ही लटके रह गए। मात्र 12-13 पूरे कॉलेज का। तो बात रहा कि इतना ऐसा मतलब खराब क्यों हुआ, हम लोग सोचना पड़ा, लेकिन आप लोग अपना क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए बस इतना सोचिए कि आप लोग अपना बेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप लोग अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, है कि नहीं? अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें, आप जितना कर सकते हैं उसमें ना चुके, और आप अपने से खुद से क्वेश्चन करें कि मुझे जितना करना चाहिए था मैंने किया कि नहीं, रिजल्ट चाहे जो भी। और उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। जरूरत है ऐसे समय में सभी लोगों को मोटिवेट रहने का, ये जो समय होता है मोटिवेशन इस समय में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो कि हमें एनर्जेटिक बनाता है, एनर्जी देता है हम लोगों को कि हम लोग कैसे पढ़ाई करिए। जो बचे हुए 4-5-10 दिन होते हैं, इन 10 दिनों में 5 दिनों में किस प्रकार से क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए हम लोग इसके लिए, है ना? एनर्जी होना चाहिए कि हम लोग बैठ के 5-5 घंटे 8-8 घंटे पढ़ सके, है कि नहीं? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जैसा कि मिश्र ने आप लोगों को बताया, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, है कि नहीं? हम लोग ये नहीं सोच पाते हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि नया चीज पढ़ा जाए कि बस पुराने चीज को याद रखा जाए, हो सकता है पुराना चीज हम लोग भूल गए हो, नए चीज पढ़ने से डरते हैं, तो इसलिए नया चीज के बारे में तो देखना नहीं है, जो पुराने चीज हम लोग पढ़ लिए हैं उसी को रिवाइज करते चलिए, जितना हो सके रिवाइज और सिर्फ रिवाइज, है कि नहीं? तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और इसके अलावा मोटिवेशन के लिए क्या किया जाए, तो मोटिवेशन के लिए आप खुद को, है ना, खुद ही आप अपने लाइफ के लिए मोटिवेशन है, आपका लाइफ ही मोटिवेशन है, वही आपको मोटिवेट करता है, आप खुद को किस प्रकार से देखना चाहते हैं, है कि नहीं? आप खुद को आगे अपने आगे आने वाले फ्यूचर में कैसे देखना चाहते हैं, वही आपको मोटिवेट करता है। आप जैसा आम जिंदगी जी रहे हैं वैसा जीना चाहते हैं, या कोई बड़े ऑफिसर बन करके जीना चाहते हैं, कंधे पे सितारा लगा हुआ देखना चाहते हैं, सर पे, है ना, सरकारी टोपी लगा हुआ देखना चाहते हैं, है कि नहीं? या फिर बॉर्डर पे तिरंगा फहराना चाहते हैं,
आप खुद को किस प्रकार से देखना चाहते हैं वही बात आपको मोटिवेट करता है। आप खुद को उस प्रकार से देखें, आप किसी ने कहा है जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आप जैसा खुद को ढालने का प्रयास करिएगा आप ढल जाएंगे। कुछ लोग मुन्ना भैया भी बन सकते हैं, है कि नहीं? कालीन भैया भी बन सकते हैं। जो अपना जैसा ढालना चाहते हैं आप उसको ढाल ना, इनका रेगो में रखे ना, आप बन सकते हैं। नहीं तो जैसा लाइफ चल रहा है चलने दो, तो वो तो फिर आम जिंदगी हो गया। अगर कुछ करना है, मेंटोस जिंदगी जीना है, तो कुछ करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आगे मुड़ गया काम में, ट्वेल्थ क्लास है कुछ नहीं, लेकिन ट्वेल्थ के बाद जब आप निकलिएगा तो इससे आगे का जो जीवन होगा बड़ा स्ट्रगल होगा उसमें। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि चलो एग्जाम है, एग्जाम करने के बाद तो फिर ठीक है, लेकिन एग्जाम करने के बाद और भी स्ट्रगल करना होगा। हालांकि पूरा लाइफ स्ट्रगल होता है, बहुत सारे एग्जाम देने होंगे आप लोगों को, और एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि जिंदगी में बस एग्जाम ही एग्जाम है, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस लाना होगा आपके जीवन में, ठीक है ना। और इसके बाद जो स्ट्रेटेजी है आपको मिस ने बता ही दिया किस प्रकार से पेपर को करना है ना। आप लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो आप लोग जानते ही हैं कैसे पेपर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छा से पेपर करेंगे, पूरा उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर करेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे, अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करेंगे, हम लोगों का, अपने गार्जियंस का, और उन्हें भी सिखाएंगे जो आपको करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएगा, उनको भी आप बताएंगे कि देखो हम ये कर सकते हैं। और उस दिन बहुत खुशी मिलेगा जब आप लोग बेहतर करके आइएगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, और यही उम्मीद रखते हैं आप लोगों से। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक, करना है एनर्जेटिक रहना है और कॉन्फिडेंस को कभी खोना नहीं, क्लियर है ना। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक।